आज हम करेंगे पाठ डायरी का एक पन्ना। इस पाठ को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ को लिखा है सीताराम शेखसरिया ने। लेखक ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, ध्यान से सुनो। दरअसल लेखक थे स्वतंत्रता सेनानी, हर रोज डायरी भी लिखते थे, लेकिन ये जो आप पाठ देख रहे हैं, इस पाठ में एक दिन का वर्णन है, यानी उस डायरी का एक दिन का वर्णन किया गया है। वो दिन था 26 जनवरी 1931। इस दिन ऐसा क्या खास था? दरअसल 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में ये डिसाइड हुआ कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। दिन डिसाइड हुआ 26 जनवरी, 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और ये स्वतंत्रता दिवस अंग्रेजों के होते हुए ही मनाया गया। दरअसल इस स्वतंत्रता दिवस मनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि एक तो अंग्रेजों का विरोध करना, दूसरा लोगों में जागरूकता लाना कि आजादी के प्रति हमें सचेत हो जाना चाहिए। ये एक पर्पस था। एक्चुअल में हमें स्वतंत्रता मिली नहीं थी। पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। 1929 को तो डिसाइड हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो पहला साल तो इतना जानदार शानदार रहा नहीं, लेकिन जब दूसरा साल आया यानी 26 जनवरी 1931, ये बड़ा जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से मनाया गया। लेखक कोलकाता के रहने वाले थे। लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, ये अब आपको कमेंट करना है। देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। तो कोलकाता में उस दिन क्या क्या हुआ लेखक ने अपनी डायरी में लिखा है, वही डायरी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। 26 जनवरी 1931 दूसरा स्वतंत्रता दिवस था और इसके प्रचार प्रसार के लिए, यानी लोगों में जागरूकता लाने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए कि इस दिन को खास बनाया जाए, इसके लिए 2000 रुपए खर्च किए। उस टाइम के 2000, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो करोड़ों रुपए हो गए। तो उस टाइम 2000 रुपए खर्च किए गए। घरों को सजाया गया, मतलब हर एक घर चमचमाता नजर आ रहा था। घरों की छत पर झंडे नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेजी पुलिस ने अपने पहरेदारों, अपने कर्मचारियों को सचेत कर दिया था। और बड़े बड़े जो पार्क थे, बड़े बड़े जो मैदान थे, उनको उन्होंने सुबह से ही घेर लिया था ताकि यहां पर इकट्ठे ना हों लोग। फिर भी बहुत सी जगहों पर झंडा फहराया गया और पुलिस के द्वारा बहुत से लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे विद्यार्थी संघ के एक मंत्री थे, नाम था अविनाश बाबू, अविनाश बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया। यहां तक कि लड़कियों को भी, जो जुलूस में शामिल हो रही थी, फीमेल्स थी, वो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा था। लाठियां बरसाई जा रही थी, मारा जा रहा था। लेकिन फिर भी भारतवासियों में, स्पेशली कोलकाता वासियों में, एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। कोलकाता में जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे थे और एक ठीक जगह पर, एक निश्चित स्थान पर पहुंचा जा रहा था जुलूस के माध्यम से। दरअसल एक जगह डिसाइड हुई थी कि 4:24 पर मॉन्यूमेंट में झंडा फहराया जाएगा। तो वहां पर, मॉन्यूमेंट एक जगह का नाम है, वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे थे। बच्चों, जागरूकता के लिए कितने रुपए खर्च थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बहुत बड़ी संख्या में जुलूस लेकर वहां पहुंचे थे। बहुत बड़ी संख्या में लेकर आए थे तो पुलिस उनको रोक भी ना पाई। क्या किया पुलिस ने, लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लाठियां बरसानी शुरू करी तो बहुत से लोग घायल हो गए। सुभाष चंद्र बोस पर भी लाठियां बरसाई गई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, क्या? वंदे मातरम। बच्चों, देशभक्ति की थोड़ी सी भी भावना है तो कमेंट बॉक्स वंदे मातरम से भर दो। अब हुआ ये कि थोड़ी देर बाद सुभाष बाबू को जेल में डाल दिया, लाल बाजार की जेल में उनको कैद कर लिया गया। उसके बाद फीमेल का, यानी स्त्रियों का, एक बहुत बड़ा जुलूस वहां पर पहुंच गया। पुलिस ने उन पर भी बहुत बेरहमी से लाठियां बरसाई, बहुत सी स्त्रियां घायल हो गई, उसके बाद वो जुलूस बिखर गया। 50-60 जो लेडी थी वो वहीं पर मोड़ पर बैठी। तो थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आई और उनको उठाकर लाल बाजार पर ही ले गई, यानी वहां पर उनको कैद कर लिया गया। कुल मिलाकर उस दिन 105 स्त्रियां जेल में डाल दी गई थी। हालांकि 9 बजे उनको छोड़ दिया गया था, रात के 9 बज चुके थे, उनको रिहा कर दिया गया था। जब उनको लगा कि अब जुलूस जैसी कोई हरकत होगी नहीं, तो उनको रिहा कर दिया, छोड़ दिया। बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। उस दिन अस्पताल का आलम यह था कि शुरू में 67 लोग घायल अस्पताल में भर्ती थे। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती गई, 103 हो गई, 103 से और ज्यादा बढ़ गई।
धीरे धीरे 160 तक पहुंच गई। 160 लोग तो वो थे जो अस्पताल में आए, ऐसे लोग भी थे जो घायल होकर सीधे घर चले गए। तो उस दिन लगभग 200 लोग घायल हुए होंगे। कलकत्ता के बारे में ऐसा कहा जाता था क्या कि स्वतंत्रता के प्रति यहां पर कुछ खास काम हो नहीं रहा। लेखक कहते हैं कि आज वो कलंक भी मिट गया। बच्चों बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बच्चों आपको लग रहा हो कि ये चैप्टर खत्म हो गया, जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो क्या मजा आ जाए। बच्चों ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन कहां ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th बी क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं आपने इस चैप्टर को कितना अच्छे से समझा है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे। बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं इसके कितने आंसर ठीक हुए। पहले प्रश्न के ऑप्शन है आपके सामने ये, ऑप्शन ए भाईचारे की भावना, ऑप्शन बी देशभक्ति की भावना, ऑप्शन सी संघर्ष की भावना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी देशभक्ति की भावना। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कोलकाता के नाम पर कौन सा कलंक लगा था। आसान सा प्रश्न है आपके, ऑप्शन वहां सब आलसी हैं, वहां कोई शिक्षित नहीं रहता, ऑप्शन सी वहां स्वतंत्रता कोई का कोई काम नहीं हो सकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी वहां स्वतंत्रता का कोई काम नहीं हो सकता। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, घायलों की संख्या कितनी थी। आपके ऑप्शन 100 के करीब, 200 के करीब, 300 के करीब, 400 के करीब। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी 200 के करीब। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था। आपके ऑप्शन लोग झंडा न फहरा सकें, ऑप्शन बी लोग हुड़दंग ना मचाएं, ऑप्शन सी लोग घूम ना सकें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए लोग झंडा न फहरा सकें। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिलेगा, तो जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।